हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये पिंक एंड सिल्वर आई मेकअप लुक। ये मेकअप लुक मैंने मेरी मौसी की सबसे बड़ी बेटी सोनल दी पे किया है एंड मैं मेरी मौसी के यहाँ आई हुई हूँ, इसी कारण से वीडियोस थोड़ी थोड़ी लेट आ रही हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। जैसा कि मैं सभी वीडियोस में बताती हूँ, ये एक बहुत ही अच्छा टोनर है। इसे मैं अपने चेहरे पे अच्छे से स्प्रे करूँगी एंड इसके बाद इसके ड्राई होने का इंतज़ार करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। इसे मैं अब ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मॉइस्चराइज़र को ब्रश से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसे हम हाथ से लगा सकते हैं। बट हाथ से आप तब लगा सकते हो जब आप अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और के चेहरे पे इसे अप्लाई कर रहे हो देन यू नीड अ ब्रश, बिकॉज समझ सकते हो क्यों कह रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फेस प्राइमर मैट। इसे भी मैं ब्रश से ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने सभी आपको बताया कि अगर आप किसी और के चेहरे पे अगर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करना चाहिए बिकॉज इससे हाइजीन मेंटेन होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये लैक्मे 925 का CC क्रीम इन दी शेड बेज एंड ये वाला जो ब्रॉन्ज एंड ये वाला जो शेड है ये इनके स्किन टोन से बहुत हद तक मैचिंग था। बहुत हद तक क्या, हाँ मैचिंग ही था लगभग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन की है एंड पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि लैक्मे वाले ना डार्क स्किन टोन में भी सफ़ेदी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये CC क्रीम में जो डार्क शेड भी है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन की हैं लेकिन इन पे भी ये CC क्रीम बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है एंड ये थर्ड शेड है ब्रॉन्ज, इसके बाद आलमंड आता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। मैं इसे इनके आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ताकि मैं इनके आईज़ पे जो भी कलर प्लेस करूँ वो बहुत ज़्यादा उभर के आए, तो मैं इसे इनके अंडर आईज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ या फिर जहाँ कहीं पे भी अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप इसे अप्लाई करिए, और अगर डार्क सर्कल्स हैं तो उसके नीचे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कीजिए एंड देन इसे अप्लाई कीजिए। तो इसे मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये NYB का कॉन्टोर स्टिक। इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स आते हैं, आप चाहे तो इसे कलर करेक्टर, फाउंडेशन, कंसीलर, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे इनके हॉल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ एंड जॉ लाइंस पे भी अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं इस डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है बिकॉज अगर इसका हार्श लाइन रह जाएगा तो वो थोड़ा सा आई थिंक फेक लगेगा, बट अगर ये इवनली ब्लेंड हो, बहुत ही लगे घुल मिल के बेस के साथ जाए तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब मैं इनके नोज़ कॉन्टोर को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसे मैं इनके अंडर आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इनका कंसीलर क्रीज होने लगा था थोड़ी ही देर में, तो मैं जल्दी से इनके अंडर आइज़ पे ये कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। आज मैंने दो पाउडर्स यूज़ किए हैं, फॉर ए वन फॉर बेकिंग एंड वन फॉर सेटिंग। तो मैं इस पाउडर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाइट टोन का ट्रांसलूसेंट पाउडर एंड इससे मैं इनके जॉ लाइन के ऊपर एंड हॉलो ऑफ दी चीक्स के नीचे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने कंटूर अप्लाई किया था उसके ठीक नीचे, ताकि जो कंटूर हो वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखे। बहुत सारे लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, इससे उनका चेहरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा शेप्ड लगता है। मैं इनके नोज़ के भी बीच में अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैंने पाउडर नहीं हटाया है, मैंने सिर्फ आइज़ के ऊपर का पाउडर हटा दिया था। इसके बाद जैसा आप देख सकते हो मैं हटा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पिंक शेड फ्रॉम निका के शुगर प्लम आई शेडो पैलेट एंड इसे मैं इनके क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। धीरे धीरे करके मैं इस कलर को बिल्डअप करते जाऊँगी, एक ही बार में हमें ढेर सारा कलर नहीं प्लेस करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये रेड शेड एंड इसे मैं इनके सिर्फ आउटर कॉर्नर पर प्लेस कर रही हूँ। जब आप किसी रेड कलर को पिंक कलर के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो रेड नहीं लगता, वो थोड़ा सा आई थिंक पीच और डार्क पिंक समथिंग लगता है, जो कि बहुत ही मुझे सुंदर कलर लगता है। तो मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इनके आउटर कॉर्नर पे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये शिमरी शेड। मैंने सोचा था मैं यहाँ पर गोल्डन भी अप्लाई कर सकती हूँ बिकॉज़ इनके सूट में गोल्डन पैचेज़ हैं जिससे ये मैच करता, तो मैंने
उसे छोड़ दिया एंड मैंने सिल्वर कलर ही अप्लाई कर दिया है। आप चाहे तो गोल्डन कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इसे मैं इनके आईलिड्स पे, हाफ ऑफ द आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, बस अभी हमें आईलाइनर एंड मस्कारा लगाना है। तो मैं जितना भी एक्सेस पाउडर है उसे हटा दूंगी एंड अंडर आइज का भी पाउडर हटा दे रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबलिन दी कोलोसल आईलाइनर एंड मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन दी हाइपर कर्ल मस्कारा एंड इसे मैं इनके लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। हमने बीच बीच में बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, हम बहुत ज़्यादा हंस भी रहे थे बीच बीच में, इसलिए कोई कोई क्लिप आ गया होगा हंसने का भी, तो सॉरी। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर एंड गाइस बहुत सारी क्लिप्स ना मुझसे डिलीट हो गई हैं, पता नहीं कैसे। मैंने किया तो था लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है वो क्लिप जिसमें मैंने हाइलाइटर का शेड दिखाया था। मेरे आई शेडो का ही वो शिमरी शेड जो मैंने इनके आईलिड पे अप्लाई किया था, मैंने उसे ही एज अ हाइलाइटर यूज़ किया है। इसे मैं उनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये NYBA का लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड मुझे याद नहीं है, मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी बिकॉज इस शेड के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। इन पे ये शेड बहुत अच्छे से सूट कर रहा था। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, मैं ब्लश लगाना ही भूल गई थी एंड इसलिए तो यहाँ पे मैं इनके चीक से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। तो हो गया है हमारा लुक कंप्लीट। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर मेरी दीदी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक मी एंड माई कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय बाय। अब लुक इन्जॉय करो।